औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आपसे एक छोटी सी गुजारिश की जाती है कि अगर आपके इस्तखारा या रूहानी इलाज का आपको मसला है या कोई परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना और अपना नाम ना लिखें। हम जाहिर है आपका नाम कभी भी लाइव नहीं आने देंगे, तो बेहतर यही है कि आप अपना नाम इस तरह या अपनी वालदा के नाम की बेअदबी ना करें। आपको हम जब मैसेज सेंड करते हैं आपके कमेंट्स के लिए तो फिर वहां पर आप अपना, जैसे हमारा फेसबुक है, मैसेंजर है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों को दे सकूं और मैसेंजर पे आसानी से मैं आपसे रब्ता कर सकूं, क्योंकि जो आपसे बात की जाए तो मुझे उस बारे में पता हो पूरा मसला, तब आप, जब मैं आपसे नाम पूछूं तब आप मुझे नाम बताएं। बस इतनी सी गुजारिश है। अगर आप, कोई भी आपको मसला है, कोई परेशानी, अपनी बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज के बहुत प्यारे अमल और वज़ाइफ़ के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हया और करम वाला है, जब इसका बंदा इसके आगे मांगने के लिए हाथ फैलाता है तो इसको हया आती है कि कुछ अता कर दें। आज सिर्फ जो कश्मकश हैं, जो परेशानियां हैं, जैसे वायरस का अटैक है, इन सब को लेकर मुझे बहुत तकलीफ है कि ये सब हो क्या रहा है। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं जो इस चीज के हकदार हैं, उनकी मदद करें। तो उनके घर में अगर खाने को नहीं है तो थोड़ी सी, अगर आपके पास जितनी साहिब इस्ताद आप में है या साहिब इस्ताद हैं तो उनको जरूर दें। कुछ खाने के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। सदका जारिया तो मौत तक को टाल देता है, तो आप बस इस चीज का ख्याल रखें। यही सोचें कि हम, अल्लाह पाक ने हमें शफा दिया या हमें बचाया, तो हम जो है सदका जारिया के तौर पे हम किसी को कोई चीज दे देते हैं। आज जो मैं अमल आपको बताने लगी हूँ, मेरे बहुत अच्छे बहन भाई हैं, उन्होंने मेरे अमल को बहुत ज्यादा पसंद किया। एक मेरी बहन की रिक्वेस्ट आई है कि लहसुन का अमल और उसका तरीका आप हमें बता दें। लहसुन का जो असल तरीका है, जो अमल का, जो अपने प्यारों को लाने का अपने पास या उनको मनाने का, मियां बीवी के रिश्ते का या शादियों की बंदिश का, जो आज मैं तरीका आपको बताऊंगी, किसी ने भी नहीं बताया। जो तरीका लोग बता रहे हैं या इस तरह, मतलब कि धड़ाधड़ वज़ाइफ मतलब के दे देने से कोई फायदा नहीं है जब तक उसका असल तरीका या उसका अमल ना बताया जाए। वज़ाइफ तो आप कोई भी कर सकते हैं लेकिन अमल थोड़ा मुश्किल है, मेरे नजदीक उसकी बहुत अहमियत है। तो अपने प्यारों को अपने पास बुलाने के लिए, मियां बीवी के लिए, शोहर को अपने ताबे या बीवी को अपने ताबे, अगर कोई मसला है ऐसा तो इसके लिए ये वजीफा आप एक दफा जरूर करके देखिएगा। आज मैं लहसुन के बारे में आपको वजीफा बताने लगी हूँ। लफ्ज, छोटा सा एक लफ्ज है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने पढ़ना है, या हादियु या खबीरु या अलामुल गयूब, या हादियु या खबीरु या अलामुल गयूब, ये जो लफ्ज हैं ये एक रूहानी ताकत के लिए मैं बहुत दफा बताती हूँ कि इससे अल्लाह पाक से इंसान का तल्लुक कायम होता है और मनकशाफात जाहिर होने लगते हैं। अब लहसुन को, लहसुन के जो मतलब कि आप हिसाब लगाने जो इस वजीफे के मुकिल हैं, सिर्फ 33 मरतबा आपने पढ़ना, और इस वजीफे के जो मुकिल हैं या इस अमल के जो मुकिल हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। तरीका इसका ये है, एक पूरा फूल लहसुन का लें, उसको कोशिश करें कि अपने घर से ना लें। अगर घर में लहसुन आ भी गए है तो आप बाजार से नया ले आए, मकसद अब एक मकसद के लिए लेके आए कि हम इसको किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के लिए आपने, जैसा कि शादी की बंदिश के लिए, मियां बीवी के लड़ाई झगड़ों के लिए, या इस तरह का मसला हो, अपनी चाहत, अपना प्यार या कोई प्यारा रूट किया है तो अब कोई बहन भाई नाराज है उसके लिए भी ये कर सकते हैं। किसी को कारोबार का कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए भी आप अपने काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी से हेल्प लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तैयारी एक दिन में, तैयार उसको एक दिन में करें, किसी भी कपड़े में उसको लपेट के दो नफल तौबा, दो नफल हाजत के पढ़ के, लहसुन अपने बिल्कुल जायनमाज के एक कोना उठाएं, उसके नीचे रख दें, सामने वाला कोना उठा के सीधे हाथ की तरफ उसके नीचे लहसुन को रख दें, किसी बर्तन में डाल के या किसी मतलब के किसी चीज के अंदर डाल के उस लहसुन को बस रख दें। अब आपने एक हाथ में लहसुन, जब आप तो नफल पढ़ लें तौबा के हाजत के नफल पढ़ें, फिर लहसुन को अपने हाथ में लें, ठीक है, लहसुन को अपने हाथ में लें और उसको आपने दम करना है या हादियो या खबीर या तीन अला मुल गई, ठीक है, ये दम करके 33 मरतबा अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के इसको लहसुन के ऊपर कपड़ा डाल दें, फौरन कपड़ा डाल दें और उसको कपड़े को अच्छी तरीके से बांध दें लहसुन के ऊपर ना, मतलब भी जैसे हम रूमाल के अंदर कोई चीज रख के उसको बांधते हैं ना जोर से, बिल्कुल उसी तरह आप बांध दें। अब उसको आप अपनी रात को तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और विर्द करें, ये तो लहसुन का और नफल हो गए, फिर आपने विर्द करना है सिर्फ और सिर्फ या वुदू दो, या वुदू दो बस पढ़ते पढ़ते नाम लेके जिसको आप पुकार रहे हैं, जिसको आप बुला रहे हैं, नाम लेके आप सो जाएं, लहसुन सीधी साइड पे रखें। छोटी छोटी चीजें अमल में बहुत अहमियत रखती हैं। सुबह उठे अगर धूप बहुत तेज है तो लहसुन को धूप में रख दें, अगर धूप नहीं तेज तो फिर चूल्हे की गर्माई, जैसे आप कोई खाना बनाते हैं तो चूल्हे के नीचे रखते हैं लहसुन, जितनी देर वो लहसुन उस जगह पर, ज्यादा देर नहीं रखिएगा। इस तरह जो मुकिल हैं, जिनके नाम लेकर आपने पुकारा है, जो फरिश्ते हैं, वो उस तक पहुंच जाएंगे और उस जितनी आप उसके लहसुन के आग के नीचे रखेंगे या चूल्हे के नीचे रखेंगे या धूप में रखेंगे, उतनी ही उनको जलन, और जैसे कहते हैं ना एक आग लग जाना दिल वाली साइड पे लग जाना या हाथों में लग जाना या इस तरह, तो इस तरह होता है, वो इतना बेचारा होता है कि जब तक वो आपसे मिलने लेंगे वो आप उनको भी सुकून नहीं आएगा और आप उनको खींचने के लिए या अपने पास बुलाने के लिए आपका दिमाग ही काफी होगा। लेकिन जब 10 से 15 मिनट हो जाए, इतने में आपका काम हो जाए, अगर आपका प्यारा आप तक पहुंच जाए या उसका फोन आ जाए या वो आपसे बात कर ले या आपको आपकी पुकार सुन ले, फौरन उसको वहां से निकाल के फौरन कपड़े में लपेट के छुपा दें। 3 से 7 मरतबा ये अमल करें, गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, ज्यादा देर नहीं। लहसुन को जब आपका काम हो जाए, लहसुन को पानी में बहा दें, उसको खाना नहीं है, या सपोर्ट दे रब करके ना, अल्लाह के सपोर्ट करके पानी में बहा दें, ये जरूर कीजिएगा। एक दफा ये अमल करके देखें, एक दिन का ये अमल है, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा।